इस वक्त दिल्ली या पूरा देश लॉकडाउन में है, जैसा कि आज मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि अगले 3 तारीख तक यूं ही चलता रहेगा। लेकिन मसला क्या है कि चलेगा कैसे? रोज़मर्रा के लोग, कमाने वाले, खाने वाले, डेली रेवड़ी पट्टी लगाने वाले गरीब मजदूर तबके के लोग की ज़िंदगी का क्या हाल होगा और उनकी गुजारा बसर कैसे होगा? अगर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे झुग्गी बस्ती वालों की, जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, इसका कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है इनके पास और ना ही इनका कोई ठिकाना होता सही से। लेकिन एक चीज़ ये देखी गई है कि इस लॉकडाउन के अंदर लोगों की दिक्कतें क्या हैं, हम एक के बाद एक सबसे जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? शमशाद अहमद। क्या करते हो? ठेले लगाता हूँ। कहाँ पे? जामिया पे। जामिया पे जी। इस वक्त जो दिक्कतें हो रही हैं आप बताना चाहोगे? ये परेशानी होती है खाने पीने की, रोज के कमाने वाले 100-200 रुपए कमाने वाले, अब कहाँ से पूरा करूँगा। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था आटा चावल दाल तेल देंगे, कुछ मिला आप लोग को? ऐसी राशन तो घर मिला है, राशन जो है ना उन्होंने मिला है, बाकी ये रोज का और राशन में क्या क्या मिला आपको? राशन में क्या क्या मिला? राशन में गेहूँ मिल, चावल मिले, गेहूँ चावल, गेहूँ चावल। उससे कुछ कितना हुआ घर का? उससे क्या होता है, 10-12 किलो गेहूँ मिला था, 3 किलो चावल मिले। अच्छा, ये जो रेवड़ी पट्टी सब्जी या ठेली, जो काम धंधा बंद पड़ा है, आखिर अगले 3 तारीख तक बंद रहेगा, कैसे गुजारा होगा? बस वो तो सरकार करेगी गुजारा, ये तो अल्लाह करेगा बस। तो गोया के अल्लाह पर भरोसा है इन लोग को सिर्फ। जी बताइए, आपका नाम? इरशाद अहमद। इरशाद, क्या करते हैं आप? मैं चाय ठेला लगाता हूँ जी। कहाँ पे? जामिया स्टोर। जामिया पे। जामिया पे जी। कब से बंद है? 1 महीने से बंद है। 1 महीने से बंद है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो घोषणा की थी दाल चावल सब्जी वगैरह मिलेगा, कुछ मिला आप लोग को? और राशन मिला बस। वो तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया आपको? जी, दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था जी? नहीं, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने ना। जी जी जी। तो आमदनी अभी कुछ भी नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रही है। रोज घर में कितने सदस्य हैं आप लोग? जी, घर में कितने सदस्य हैं? घर में हैं 5 लोग। 5 लोगों है तो 5 लोगों का खर्चा चलता कैसे है? कैसे बस ऐसे ही चल रहा है, उधार फिदार से बस ऐसे ही। अच्छा, आपके एरिया में कोई एनजीओ वाला, कोई पॉलिटिकल लेवल, विधायक की तरफ से या और कोई आया पूछने के लिए किस हाल में जी रहे हो? कोई नहीं पूछने आया, तो आपको लेके आया मैं तो बस। कोई जी, आप बताइए क्या नाम आपका? मेरुनिशा जी, इस लॉकडाउन में कैसे जी रहे हो? बहुत बुरा असर है इंसानों के। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और केजरीवाल ने बहुत घोषणा की थी दाल चावल के लिए, आटा के लिए, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, हम लोग पर्ची लेकर गए, पर्ची से भी पुलिस वाला नहीं जाने दिया, बोले कि कोई यहाँ बटन रहा नहीं मिलेगा आप लोग को, तो हम लोग खामोश होकर घर चले आए। दूसरा तीसरा के पास गए तो वो हम लोग का जो है वही आधा किलो का दाल, 5 किलो का चावल, 5 किलो का आटा दिया। उससे क्या होगा, जो साग सब्जी कहाँ से लगा? कितने लोग हैं आप लोग? 6 आदमी। 6 आदमी हैं। उससे कुछ नहीं होगा? उससे कुछ नहीं होगा, अकेली मैं कमाने वाली हूँ, 6 बच्चे हैं जी। दूध है, दवाई है, राशन कार्ड है जी, राशन कार्ड है। उसमें 10 किलो चावल मिला है, 20 किलो गेहूँ मिला है। 20 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ में गुजारा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। दवाई दारू सब्जी जी बता, आप बताइए दवाई वगैरह जरूरत पड़ती क्या करती हो? दवाई है, बच्चों की फीस खर्चा है, सब चीज है घर में, बच्चे परेशान है हर चीज से, एक राशन ही राशन से, आटे से क्या होगा। दवाई है, गोली है, हर चीज का ऊपर का खर्चा है। विधायक की तरफ से कोई सपोर्ट? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, हम बहुत परेशान है। आप लोगों ने तो वोट किया था आम आदमी पार्टी को, कितना हेल्प किया? कुछ नहीं किया, वही थोड़ा बहुत, वही राशन वाशन का थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत था। उससे कुछ नहीं होने वाला? नहीं। जी, आपका नाम बताइए जी। भाई साहब किस लिए बता रहे हैं ये? नाम है। कुछ सहायता गवर्नमेंट से? कुछ भी नहीं मिला था हमें तो। जी बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम जमील खान है, जमील नाई। जमील नाई, हाँ। क्या करते हैं आप? नाई का काम करता हूँ, दाढ़ी साफ, बाल साफ। अच्छा, ये बताइए कि इस कोरोना लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट से कुछ सहायता आपके आसपास कुछ मिल रहा है? ए, दूरो पहले। इस गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं होया, इसको जितवाया भी
ये भी पक्का सुअर निकला, ये भी उससे मिल गया जाके, ये बहन का लंड निकला पक्का। औरतों को इनने क्या लालच दिया, चुप रहे, जितनी बात है उतनी करने दे। इसने लालच क्या दिया तुम्हारा, तुम्हारा बसों में फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा, ये सारा सुअर उससे मिल गया जाके मोदी से। लेकिन लेकिन केजरीवाल ने तो वादा किया था, वादा पूरा किया आप लोगों ने, कहेगा पूरा करा, वोट भर भर के दिया आप लोगों ने, वोट भर के दिया, बोरी भर के, बोरी भर के वोट दिया इसको जी। सब लोगों ने दिया। इसने कोई आज तक बहन के लिए राशन नहीं दिलवाया एक कमरे तो का। यहाँ की जो जनता है बहुत ही मुश्किल हाल में जी रही है, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट का कोई सहायता है जी। आपका नाम? पाँच किलो राशन दिया, कुछ भी नहीं मिला, हमें 5 किलो राशन नहीं था।